अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, वर्ष 2022 में जिला उदयपुर में अतिवृष्टि से हुई बाढ़ से तहसील सलुम्बर एवं झल्लारा में फसल खराबा हुआ है। खंड दो, खरीफ फसल सम्मत 2079 वर्ष 2022 की गिरदावरी करवाई जा चुकी है। वर्ष 2022 में तहसील सलुम्बर एवं झल्लारा में 33% एवं इससे अधिक फसल खराबा वाले प्रभावित पात्र कृषकों को SDRF नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान दे है, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर ज़िले में आपने सलुम्बर व झल्लारा में फसल खराबा बताया है, जिले की बाकी तहसीलों की क्या स्थिति है? दूसरा है, सलुम्बर झल्लारा में फसल खराबा हुआ है तो कितने किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, संख्या बताएं, जिस पर कितनी राशि व्यय होगी? बाकी SDRF में क्या क्या नॉर्म्स है? अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल सम्मत 2079 में उदयपुर ज़िले की तहसील सलुम्बर एवं झल्लारा तहसीलों में फसल खराबा 33% से अधिक प्रभावित काश्तकारों की कुल संख्या 52,631 है। उक्त तहसीलों में प्रभावित काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड करने हेतु तहसीलदारों को पाबंद कर दिया गया है, पोर्टल इनका खोल दिया गया है और उदयपुर में ये दो ही तहसील है। और जहाँ तक नियम की बात है, सिंचित क्षेत्र में 17,000 और असिंचित में 8,500 का फसल का खराबे के तहत नियम के जो DRMs का नॉलेज है, अपने जो भी इसका है अपने सिस्टम है, उसके तहत असिंचित को 8,500 और सिंचित को 17,000 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। मेरा निवेदन ये था कि एक ये जो दिशा निर्देश है वो कब जारी हुए थे और कितने दिन में इनको मुआवजा दिया जाएगा, संख्या बता दी। मानसिक अगला प्रश्न, श्रीमती इंदिरा देवी। अगला प्रश्न